बिहार में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जिसकी वानगी आरा में देखने को मिली है, जहां हत्या मामले का केस नहीं उठाने पर हथियारबंद लोगों ने एक महिला को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। गोली महिला के बाएं पैर में घुटने के नीचे लगी है, जिसके चलते उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। बता दें कि घायल महिला उदवंत नगर थाना क्षेत्र के कारीसात गांव की रहने वाली रीमा देवी है। घायल महिला ने गांव के 3 दबंगों पर मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मृत्युंजय रोहित सुरेंद्र किस लिए मारा है? किस लिए? हम अकेले घर में थे, 23 तारीख को मेरा देवर का कांड हुआ था, यहाँ मार दिए लोग, फिर भी मेरा हमको भी पीछे मार रहे थे, कोई चंदन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम ही लोगों का खरदम घर में 4 दिन पहले 23 तारीख को दिए थे एसपी साहब का। कौन गोली मारा है आपको? गोली मारा है मृत्युंजय रोहित सुरेंद्र, 3 आदमी था। ये देवर है आपके? नहीं, ये देवर हमारा नहीं है। हमारा देवर तो मर गए मार्च में। अकेले हम अकेले औरत थे और वो लोग बार बार घुस करके हम जबरदस्ती भी कर रहे थे, मार रहे थे 4 आदमी मिल के। अच्छा, आज उसी को गोली मार दिया? हमको गोली मार दिया आज। कहाँ पे आप घर में थी ना? हाँ, घर में। घर क्या नाम है आपका? रीमा देवी। आपके पति का नाम? अशोक कुमार सिंह। घर? कारीसा। वहीं इधर जख्मी महिला रीमा देवी की बहू नैना कुमारी ने बताया कि इसी वर्ष 23 मार्च को दबंगों ने उनके ससुर राम प्रवेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं अब उसी हत्या मामले के आरोपी अब पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। 5 दिन पहले ही हत्या मामले का आरोपी विशाल कुमार सिंह बेल पर जेल से बाहर आया है, जिसके बाद इसे लगातार पीड़ित परिवार को केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। जब केस वापस लेने से मना किया था, विशाल और मृत्युंजय सिंह समेत 5 दबंग घर में घुस आए, महिलाओं के साथ मारपीट की, साथ ही फायरिंग भी की। इस दौरान एक गोली रीमा देवी के पैर में लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्वर्गीय रामप्रकाश सिंह की हत्या 23 मार्च को हो चुकी थी और उसी घटना के क्रम में उन लोग का नाम जब हमारे द्वारा केस करके दिया गया था तो हमारे ऊपर बार बार दबाव दिया जा रहा था कि केस वापस लो, नहीं तो अब औरतों को भी घर पे नहीं रहने देंगे। हमारी माँ और हम हमारे घर पे अभी रह रहे थे, पुष्टंदी जमीन जो कारीसात में है उसी के घर पे रह रहे थे। और ये जो 2-4 दिन 5 दिन पहले छूट गया है विशाल कुमार सिंह, वो बेल पे बाहर आ गया और आने के बाद वो लगातार धमकी दे रहा है कि अब औरतों को भी हम जीने नहीं देंगे, नहीं तो केस वापस आ रहा उस दिन के कांड वाला जो 23 तारीख की हत्या किया है लोग। अब उस केस को अगर वापस नहीं लेंगे तो हम सबकी जीना मुहाल कर देगा, हम सबको घर पे चैन से नहीं रहने देगा। और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें धमकी के माध्यम से मिल रहा था। हम लोग थाना प्रभारी गजराजगंज थाना ओपी जो चंदन सिंह है उन पर हम लोग बार बार बोल रहे थे कि सर कोई कार्रवाई कीजिए। उनका एक तरफा कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के तरफ से है, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं। आज अचानक से हम अपना रूम में काम कर रहे थे, यंगना में बैठी हुई थी, अचानक धड़ाधड़ वो लोग 4-5 घुसा उसमें। कौन थे वो लोग? मृत्युंजय कुमार सिंह था, विशाल था और रोहित था, सुरेंद्र था और अनूप थे उसमें। ये लोग अब इनके पिताजी का नाम हमारे द्वारा जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमारे कारीसात गाँव के ही हैं और मृत्युंजय कुमार सिंह की गोली से ही इनकी मतलब पैर में लगी है। लगातार वो लोग अपना फायरिंग कर रहा था लेकिन मृत्युंजय कुमार सिंह के ही ये से इनको बताया कि इनके ये से पैर में चोट लग चुकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना कुमारी हुआ, मैं इनकी बहू लगती हूँ। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस भी आरोपियों के साथ मिली हुई है। वहीं इस गोलीकांड के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।